बिस्मिल्लाहिर्रहमान आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो लेक्चर में हम आज कवर करेंगे डायोड्स के कुछ स्पेशल टाइप्स। ठीक है, जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट लिया था कि हमने सिंपल डायोड को कवर किया जिसको हम रेक्टिफायर डायोड्स कहते हैं। रेक्टिफायर डायोड वो बेसिक डायोड है या बेसिक आर्किटेक्चर है डायोड का, जिसमें डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं, रिवर्स बायस में काम नहीं करता। ठीक है, सो वो डायोड जो है, जो रेक्टिफायर डायोड है, वो ओनली ऑपरेट इन फॉरवर्ड बायस। अच्छा, उन डायोड्स की जो, जिससे हमने डायोड की जो एक स्पेशल फीचर्स हम कह सकते हैं कि वो एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है, दूसरे डायरेक्शन में करंट को ब्लॉक करता है, या हम कहते हैं कि जब जो रेक्टिफायर डायोड हैं, जो स्टैंडर्ड डायोड हैं, जब वो फॉरवर्ड बायस होंगे तो करंट अलाउ होगा और जब रिवर्स बायस होंगे तो करंट ब्लॉक होगा, तो उस फीचर को यूज़ करते हुए हम उसको रेक्टिफायर सर्किट में यूज़ कर रहे थे। अब रेक्टिफायर सर्किट्स, फिर हमने ऐसे सर्किट्स को हम कहते हैं जो कि किसी भी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने में यूज़ हो सकते हैं। तो उन पावर सप्लाईज़ के अंदर जहाँ पर हमें कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती थी, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती थी, तो वहाँ पे हम रेक्टिफायर सर्किट को यूज़ करते थे। चैप्टर नंबर 3 से जब हमने स्टार्ट लिया, तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने कुछ स्पेशल पर्पस डायोड जो हमने स्टार्ट किया, जो फर्स्ट डायोड है स्पेशल पर्पस डायोड, वो हमने ज़ीनर डायोड को कवर किया। अब ज़ीनर डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में भी ऑपरेट हो सकता है और साथ साथ वो रिवर्स बायस में भी एक ऑपरेट कर सकता है। अच्छा, रिवर्स बायस के अंदर वो ऑपरेट जो है एक पर्टिकुलर जो है एक वोल्टेज होगा, जब रिवर्स पे आप अप्लाई करते हैं तब वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में जाएगा और फिर उसी में, उस रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में उसको हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने वोल्टेज रेगुलेटर को देखा कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, या उन सिचुएशन के अंदर जब आपके पास इनपुट पे कोई वोल्टेज वेरी कर रहा है, इनपुट पे वोल्टेज कम या ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे हमें वोल्टेज रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो रेगुलेटर का काम ये है कि आउटपुट पे आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस करके देता है। ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास है उन सिचुएशंस के अंदर, अगर इनपुट पे वोल्टेज सेम आ रही है लेकिन आपके पास लोड ज़्यादा, आप लोड ज़्यादा कम हो रहा है, लोड आपका वेरिएबल है, तो वहाँ पे भी हमें वोल्टेज रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उन दोनों फीचर्स को हमने क्या किया, हमने उन दोनों को कंडीशंस में देखा कि ज़ीनर डायोड को हम किस तरह एज अ रेगुलेटर यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हमने वैरेक्टर डायोड देखा, और वो वैरेक्टर डायोड जो है वो एज अ वेरिएबल कैपेसिटेंस काम कर सकता है। वेरिएबल कैपेसिटेंस किस तरह काम कर सकता है कि जब आपके पास प्लेट के दरमियान जो है, अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, तो जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आपकी कैपेसिटेंस जो है वो, उसकी कैपेसिटी कम होगी। ठीक है, और जब आप करते हैं दरमियान में कम करते हैं, ठीक है, तो जो डिस्टेंस है डी बिटवीन द एन प्लेट एंड पी प्लेट, सो आपके पास क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है आपके पास कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, साथ साथ हम ये भी देखा कि हमने ज़ीनर वोल्टेज को एज ए लिमिटर भी यूज़ कर सकते हैं, ज़ीनर लिमिटर, और उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने कवर की थी। ठीक है, और ये एग्जांपल्स भी हमने देख ली थी। यह वैरेक्टर डायोड है कि हमने ये वैरेक्टर डायोड में सी इक्वल टू ए बाई डी, डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द एन एन पी, एन ए इज़ द एरिया, एरिया को आप इंक्रीज करेंगे तो दैट इज़ द प्लेट का, तो वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। सो ये चीज़ें हमने कवर की थी। फिर बाद में इसके बाद हम आए जो कुछ डिफरेंट स्पेशल पर्पस डायोड है, जिसमें फर्स्ट डायोड हमने ऑप्टिकल डायोड, डायोड्स में लाइट एमिटिंग डायोड देखा। अच्छा, लाइट एमिटिंग डायोड हमारे पास एक ऐसा डायोड है जो कि हमें नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस है, और हमें डेली लाइफ में हम इस डायोड को देख सकते हैं, ये हमें नज़र आता है। अच्छा, ये लाइट एमिटिंग डायोड जो है, जब इसमें फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है, जब फॉरवर्ड, क्योंकि जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन होगा, इट कैन ऑपरेट इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, सो जब आपके पास फॉरवर्ड बायस होगा तो उसमें क्या होगा कि आपके पास जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं अक्रॉस द जंक्शन, द पिंक जंक्शंस फ्रॉम द एन मेटल्स, वो इंजेक्ट होंगे एंड देन इट विल जॉइन विद द होल्स एंड द पी
जो है रीजन, ठीक है, और उसमें क्या होगा, उस रिकम्बिनेशन में आपके पास क्या होगा, आपके पास एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। सो बेसिक फिनोमिना ये है कि देखिए, जब हम कंडक्शन बैंड की बात करते हैं तो कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास क्या होते हैं, बेसिकली उसकी एनर्जी उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और दे आर लेस बॉन्ड विद दे, ठीक है, और जब वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं तो क्या फॉल्स करते हैं और वो आते हैं वैलेंस बैंड के अंदर, और वैलेंस बैंड के अंदर वो होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं, ठीक है। और उस एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो किस फॉर्म में रिलीज़ होती है, वो फोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज़ होती है। सो वो बेसिक फिनोमिना है जो कि लाइट एमिटिंग डायोड का है, सही है। सो व्हेन रिकम्बिनेशन टेक प्लेस टू द रिकम्बिनेशन रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, सो द लाइट एमिटिंग डायोड टेंड्स टू बी मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है वन कलर, दे डिपेंड ऑन द बैंड गैप, वो बैंड गैप के ऊपर वो डिपेंड करते हैं कि बैंड गैप ज़्यादा है या कम है। सो ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, हमने इसको भी कवर किया था। तो जब आपके पास देखें, ये आपके पास एक लाइट एमिटिंग डायोड है, इसका सिंबल इस तरह है, और अगर वो बैटरी के साथ कुछ इस तरह कनेक्टेड है कि आपके पास एनोड जो है, ये एनोड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, एंड कैथोड जो है वो अगर नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, ये आर लिमिटर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि डायोड डैमेज ना हो। सो जब आपके पास फॉरवर्ड बायस कंडीशन होगी तो आपके पास फॉरवर्ड करंट होगा, ठीक है। तो ये वैसे जो बेसिक फिनोमिना है फॉरवर्ड बायस ऑपरेशन का, ठीक है। इसके बाद जो हमने स्टार्ट किया था वो फोटोडायोड्स का हमने स्टार्ट किया था। तो फोटोडायोड्स का जो सिंबल है, इसमें दो एरोज बाहर की तरफ, ये देखें, ये जो टिपिकल लाइट एमिटिंग डायोड्स है उसके कुछ आपको ये टाइप्स नज़र आ रहे हैं कि इसके इस तरह आपको अवेलेबल है। ये नॉर्मली रिमोट कंट्रोल के अंदर भी आपको है, या जो 7 सेगमेंट्स डिस्प्ले है उसमें भी इस तरह के यूज़ हो सकते हैं, और ये वाले तो हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज टिपिकल स्मॉल LEDs एंड दिस आर लाइटिंग एप्लीकेशन के लिए जो यूज़ होते हैं, ये है। सो फिर हमारे पास है फोटो डायोड इसके बाद, और फोटो डायोड की भी हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस है, और उसको हम सर्किट्स में वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकता है। और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो आपके पास स्ट्रीट लाइट्स है उसको हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है, उसमें हम फोटो डायोड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपके पास फोटो डायोड्स है वो बेसिकली ऑपरेट करते हैं रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर। रिवर्स बायस मींस कि आपके पास एनोड नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, कैथोड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, एंड द फोटो डायोड्स एज अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट विंडो। अच्छा, जो आपके पास उसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी है फोटो डायोड की, जो पी प्लेट है और एन प्लेट के दरमियान जो आपके पास रीजन है, वो जो जंक्शन है बेसिकली, ठीक है, वो उसमें वो विंडो जो ट्रांसपेरेंट बनाई जाती है, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट विंडो होती है। वो बेसिकली क्या होता है कि पीएन जंक्शन आप एक्सपोज करते हैं लाइट को, इसकी मेन रीज़न है, इसके लिए इसको ट्रांसपेरेंट विंडो बनाई जाती है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो एक इंटरनल बैटरी, एक एक्सटर्नल बैटरी भी लगी है डायोड को आपने कनेक्ट किया है, सेकंड उसके ऊपर जो है लाइट भी पड़ रही है। अच्छा, जब उसके ऊपर लाइट पड़ रही है सो बेसिकली क्या होता है, आपके पास वही आपके पास नंबर ऑफ, जितनी ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी आप इंक्रीज़ करते हैं, जितनी ज़्यादा लाइट पड़ रही है तो उतना ज़्यादा उसके करंट प्रोड्यूस होगा, सही, जो रिवर्स करंट है I λ। तो और जब आप एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं तो वो बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली वो क्या होता है, जब आप लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ करते हैं तो वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, बट हम इसको सिंपली इस तरह देखेंगे, जब आप लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ करते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है उनके नंबर ज़्यादा जनरेट होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो ज़्यादा क्रिएट होंगे, और जब आप इसके साथ बैटरी कनेक्ट करते हैं तो आपके पास करंट जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर रिवर्स करंट जो है। सो बेसिकली इट्स व्हाई इट्स डिफर फ्रॉम द रेक्टिफायर डायोड, ठीक है, अगर हम उसको देखें कि व्हाई फोटो डायोड इज डिफर फ्रॉम द रेक्टिफायर डायोड, बिकॉज हियर व्हेन द पीएन जंक्शन इज एक्सपोज टू लाइट, तो इसमें जो पीएन जंक्शन है वो लाइट को एक्सपोज किया जाता है, और आपके पास नॉर्मली हम वी इज इक्वल टू आई आर है, आर इज इक्वल टू वी बाई आर है, सो इट कैन बी यूज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस कंट्रोलिंग बाई लाइट इंटेंसिटी। सो इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस कह सकते हैं जो कि लाइट इंटेंसिटी
जो है उसको जो डिवाइस कंट्रोल है बाय लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी आप इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो उसी हिसाब से इसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। और ये देखिए, यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कि आर आर इज इक्वल टू वी आर बाई आई लेमडा। वी आर आपके पास कोई रिवर्स वोल्टेज है, ठीक है, आपने डिफ किया और आपके पास जो करंट है वो कम है, मीन्स कि आपके पास लाइट इंटेंसिटी कम पड़ रही है, सो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है, बिकॉज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रेजिस्टेंस। और इन सेकंड केस आपके पास लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है, एंड देन व्हेन लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा तो आपके पास करंट ज़्यादा होगा एंड यू में कि आपके पास जो है एंड में जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। सो फोटो डायोड कैन बी यूज एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड डिवाइस कंट्रोल बाय लाइट इंटेंसिटी। तो हमारे पास जो है, देखिए यहाँ से भी आपको आइडिया हो सकता है कि जब आप लाइट को ऑफ करते हैं सो रिवर्स करंट इज़ ज़ीरो, एंड देन आप ये लाइट को ऑन करते सो यू माइट हैव सम आपके पास जो है रिवर्स करंट होगा। सो व्हेन देयर इज़ अ इंसिडेंट लाइट रेजिस्टेंस डिक्रीज एंड देयर इज रिवर्स करंट, इसकी डेटा शीट भी आप देख सकते हो। फिर हम जाते हैं लेज़र डायोड के। लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और दिस लेज़र डायोड जो है बेसिकली किस तरह काम करता है, देखिए एक चीज़ जहन में रखें कि जो आपके पास लेज़र डायोड है, लेज़र डायोड नॉर्मली जो है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और जो कि सिंगल कलर, मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि सिंगल कलर, मतलब मिक्सचर ऑफ लाइट्स नहीं है। एंड लेज़र डायोड इज आल्सो कॉल्ड कोहेरेंट लाइट। कोहेरेंट लाइट का मतलब है कि इसका वेवलेंथ भी क्या है, सिंगल है। विद सिंगल वेवलेंथ किसे कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू ट्रफ एंड ट्रू क्रेस्ट, मतलब दो कंजक्टिव ट्रफ और क्रेस्ट होंगे उसके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो उसमें जो वेवलेंथ होगा वो सिंगल वेवलेंथ होगा, मतलब वेवलेंथ वेरिएट नहीं करेगा कि किसी जगह पे वेवलेंथ ज़्यादा है किसी जगह पे कम है, तो एक कांस्टेंट जो है सिंगल, एक सिंगल वेवलेंथ जो है वो इसका होगा, ठीक है। कोहेरेंट मीन्स के सिंगल फ्रिक्वेंसी। इसकी मेन वजह ये है कि ये डायोड कुछ इस तरह का है कि आपके पास जो है इसके पीएन जंक्शन जो है वो इसमें कम है, सेकंड जो है मतलब वो गेप और एनोड के, तो एक सरफेस जो है हाईली रिफ्लेक्टेड एंड है, दूसरा आपके पास पार्शली रिफ्लेक्टेड है। तो जब आपके पास कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होते हैं वैलेंस बैंड में होल्स के साथ, तो जो एनर्जी फोटोन के फॉर्म में रिलीज होती है, तो यहाँ पे वो टू एंड टू मोशंस करती है, और वो जब इस साइड पे आती है तो वो यहाँ पे हाई रिफ्लेक्टेड रीजन की वजह से उनका डायरेक्शन इस साइड पे हो जाता है। वो इस देखे वो जब मूव करे तो फिर रीडायरेक्शन इसका इस साइड होता है, और आपके पास एक नैरो बीम बनती है। उस नैरो बीम जो है वो लेज़र मोनोक्रोमेटिक, या उसको हम कह सकते हैं कि वो जो है कोहेरेंट होती है, ठीक है। तो जो एलईडी है वो इनकोहेरेंट होगा, मीन्स कि वहाँ पे आपके पास वेवलेंथ जो है सिंगल नहीं होगा। सो दिस इज बेसिकली अ लेज़र लाइट एमिटिंग स्टिमुलेटेड बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। फिर आपके पास जो एक डायोड है शॉकी डायोड, अच्छा इसका जो सिंबल है ऑलमोस्ट जीनर डायोड जैसा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जेड जो है थोड़ा सा शार्प है और थोड़ा सा अंदर की तरफ और भी जो है वो टेल्ट है। तो ये शॉकी डायोड है। अच्छा ये डायोड हॉट कैरियर डायोड है, इसमें ज़्यादातर मेजोरिटी कैरियर्स होंगे, ठीक है, इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स नेग्लिजिबल है, आद नहीं होते। अच्छा जो एन रीजन है उसको किसी मेटल से जो है वो डॉप किया जाता है, वो मेटल इट मे बी गोल्ड सिल्वर आर प्लाटीनियम। सो और ये होगा कि इसके अंदर जो गैप है ना, जो बेसिकली पीएन जंक्शन है उसमें जो डाइलेक्ट्रिक जो नॉर्मली या जो जंक्शन है वो मेटल टू सेमीकंडक्टर हो जाएगा, क्योंकि वजह ये है कि ये उसकी डॉप जो है या तो गोल्ड सिल्वर या किसी और मेटल जो प्लाटीनियम में उसके साथ डॉप किया जाता है। और इसका जो थ्रेशोल्ड है तो वो 0.3 है, इट मीन्स कि आप थोड़ा सा वोल्टेज इसके साथ कनेक्ट करते तो मेजॉरिटी एन इलेक्ट्रॉन जो हो जाके होल्स के साथ रिकम्बाइन होते हैं। तो जब आप बैटरी कनेक्ट करते तो ये ऑपरेट होना स्टार्ट करते हैं, बैटरी को आप रिमूव करते तो ये ऑपरेशन कम कर देता है, तो मतलब ये बंद कर देता है, इस वर्किंग इसकी स्टॉप हो जाती है। तो ये क्या है, फास्ट स्विचिंग के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं, कि ये उन सिचुएशन में जहाँ पे आपको फास्ट ऑन ऑफ रिक्वायर्ड है सिचुएशन,
कोई सर्किट है जहाँ पे आपको स्विचिंग बहुत फास्ट रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे हम ये शॉकी डायोड यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये फॉरवर्ड बाय जो शॉकी डायोड है ये समझ ले कि ये हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको जो है जब आप इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं तो आपके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो द एन रीजन्स आर इंजेक्टेड टू द पी रीजन जहाँ पे वो है उसके साथ जो है वो कम्बिनेशन रिकम्बिनेशन टेक प्लेस। ठीक है, और देयर इज़ नो रिवर्स करंट क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, आपके पास माइनॉरिटी कैरियर्स नहीं होते, सो नो मेजॉरिटी सो नो रिवर्स करंट विल बी इन द शॉकी डायोड। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल पर्पज डायोड्स जिसको हमने कवर किया। आपको इन डायोड्स के हवाले से बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन सा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होता है, कौन सा रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, और कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और जो है ये डायोड्स जो हैं ये रेक्टिफायर डायोड से क्यों डिफर है, इसकी मेन डिफरेंस क्या है जो मेन स्टैंडर्ड डायोड है या रेक्टिफायर डायोड से। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए डायोड्स के हवाले से। ठीक है, बिल्कुल आपका जो मेट्रम है जो फाइनल टर्म है उसमें हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 जो है उससे आपके क्वेश्चंस यहाँ से ही हम बनाएं फाइनल टर्म, और उसका जो मेन थीम है वो बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह आपका मेट्रम का एग्ज़ाम था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इंशाल्लाह कमिंग मंडे को, इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को हम क्वेश्चन नंबर 3 अरेंज कर लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। तो यही चीज़ें कि आप जो है बेसिक सिंबल्स आप याद करें और इन डायोड्स को देखें कि डायोड्स किस तरह ऑपरेट होते हैं, बेसिक फिनोमेना आपको बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल आपको डायोड्स का आइडिया हो गया। थैंक यू।